बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब कारी मोहम्मद समीउल्लाह साहब आयात बयानात की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे और हमेशा करबला के कारी की निगाह में रखे। मुझे शेड्यूल भी दे दिया गया है और साथ आने वाले दोस्तों का वक्त भी मुख्तस करके बता दिया गया है और अभी कुछ ही देर बाद तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत के पहरेदार हम सब की आंखों का सुकून, हमारे माथे के झूमर, हमारे दिल की राहत, आज की बबरकत महफिल में जिनका खसूसी खिताब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहावलपुर डिवीजन फख्र सादात साहिबजादा किबला हुजूर पीर सैयद अहमद शाह साहिब बुखारी दामन बरकातहु मालिया आप तशरीफ लाने वाले हैं, आपका खिताब शुरू हो जाएगा और वक्त भी मुख्तस करके बता दिया गया है। मैं सिर्फ एक मिनट का पैगाम देके मकबूल भाई को माइक पेश करता हूं। पिछले दिनों मुसलमानों का सर शर्म से झुका जब एक टीचर ने बच्चों को कहा स्कूल में कि बेटा घर जाओ और वो किताब घर से लेके आओ जो तुम्हारे घर में फारग पड़ी हो, उसे हम यहाँ लाइब्रेरी में सजा देंगे, बच्चे स्टूडेंट पढ़ेंगे और फायदा उठाएंगे। बच्चे घर गए, सुबह जब स्कूल असेंबली हुई, असेंबली के बाद जब क्लासों का आगाज हुआ तो टीचर ने कहा बेटा मैंने कल आप सबको एक पैगाम दिया था, एक काम जिम्मे लगाया था, करायो? बच्चे कहते यस सर। टीचर ने कहा लाओ फिर वो किताब दिखाओ, वो किताबें दिखाओ जो आपके घर में फारग पड़ी हूँ। एक टीचर ने, एक स्टूडेंट ने टीचर के हाथ पर जो है उस्ताद के हाथ पर कुरान पाक किताब रखी, दूसरे ने भी कुरान पाक रखी, तीसरे ने भी कुरान पाक। टीचर ने कहा बच्चों सारे कुरान पाक उठा लाए। बच्चे कहते यस सर, आपने ही तो कहा था वो किताब लाना जो घर फारग पड़ी हो। हमारे घर यही किताब है जो पढ़ी तो है पर पढ़ता कोई नहीं। आज अगर हम कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएं, अगर पांच वक्त नमाजी बन जाएं, हुजूर की बारगाह में रोजाना की बुनियाद पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले बन जाएं, फिर देखना अल्लाह की रहमतों का नजूल कैसे होता। करोना मरोना रहना ही कोई नहीं, आशिकों के लिए मक्का मदीना पाक के रास्ते हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तो हमारी महफिलों का ये मकसद नहीं आए बैठे नारे लगाए उठे चले गए, जितने उशाक महफिल में आए हैं इस बात का अहद करके उठना है कि या रसूल अल्लाह आज के बाद जान जाती है जाए हमारी नमाज नहीं जाएगी। हम कुरान पाक की तिलावत करना पढ़ना बच्चों को भी इसका आदी बनाएंगे और आपकी बारगाह में रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 313 दफा जब तक दुरूद पाक मुकम्मल ना हो जाए हम आंख नहीं लगाएंगे। वादा करते हैं जी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश करता हूँ मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज मोहम्मद मकबूल कासमी साहब आप सबकी समातों के हवाले नारे तकबीर गोडे छड़ दियो मेरे वीर, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक लब्बैक। आपको मैंने गज वज के नारा लगाते हुए देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे फैजाबाद याद आया। लेकिन आपने जब दोबारा चादर पहनी और खुद को छुपा लिया तो मुझे फिर ये पैगाम देना पड़ा कि ये तो कुछ सर्दी भी नहीं। मैंने वो मंजर भी देखा है जब बाबा जी बैठे थे और सामने जो है फैजाबाद शदीद सर्दी में बारिश का मौसम, बारिश बरस रही है, बाबा जी फरमाते हैं कि नाश्ता करना है, इतनी सर्दी में नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, लेकिन उशाक तड़प तड़प के तहफ्फुज़ ख़त्मे नबूवत के पहरेदार शदीद ठंड में जो है वो चादरें उतार कर घुमा घुमा कर एक साइड पे फेंक कर उछल उछल कर कह रहे थे लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल 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 लब्बैक।
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں انتہائی مشکور و ممنونہ محترم المکرم جناب محمد فراز صاحب دا جنہ دے حکم دی تعمیل اچھا حاضر خدمت تھیاں دعا اللہ کریم میرے آون پڑھنا آپ تمام احباب دا آونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت سننا اپنی بارگاہ دے اندر مالک قبول اور منظور فرمائے اور جائیں جائیں بھائی نے بھی انتہائی خوبصورت محفل دا انعقاد فرمائے اپنا حصہ شامل کیتے دعا اللہ کریم انہیں دی کاوش کو انہیں دی محنت کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماوے اہل سٹیج دے اتے تمام صاحبان دا آون اپنی بارگاہ دے اندر مالک قبول اور منظور فرماوے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہ سے با آواز بلند ہی ایمان اور ہی عقیدے دے نال درود پاک دے نذرانہ پیش کرو کہ اساں اتھاں پڑھ دوں سرکار اتھاں سن دے جاندہ اے ایمان ہے اور جاندہ اے عقید ہے او میرے نال ملتے پڑھ سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ملتے پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اونچی آواز سے پڑھ گنو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سہانی رات ہے توجہ کرے سو سہانی رات ہے سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو سہانی رات ہے بھائی کیا سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو بات کرو ستاروں آؤ رخے مصطفیٰ کی بات کرو ستاروں آؤ رخے مصطفیٰ کی بات کرو سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو ستاروں آؤ رخے مصطفیٰ کی بات کرو نکیرا بعد میں کوئی دوسرا سوال خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو
लफ्ज भी बड़ा ही प्यारा शेर, बड़ा ही प्यारा शेर। लफ्ज भी नाम और नसब रखते हैं, लफ्ज भी कामरान भाई, लफ्ज भी नाम और नसब रखते हैं, ये जान रखो मदह करनी है तो हर लफ्ज की पहचान रखो। लफ्ज भी नाम और नसब रखते हैं, ये जान रखो लफ्ज भी नाम और नसब रखते हैं, ये जान रखो मदह करनी है तो हर लफ्ज की पहचान रखो। और मर्तबा गर शहे वाला का, मर्तबा गर शहे वाला का बयान रखो, सामने कुरान रखो। अदब तो ये है जहां उनका नाम आ जाए तो जुबां पर दुरूद ओ सलाम आ जाए। तो मिलके पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्ला। एक कलाम के सिर्फ 102 शेर, ये कलाम खास आप लोगों की समातों की पेशे नजर। क्यों आए हैं, वजह क्या है, तवज्जो। हम बनावट से। ओहो भाई क्या इंतखाब है कलाम का। वाह, हम बनावट से नहीं, बनावट से नहीं कहते के हम तेरे हैं। हम बनावट से नहीं कहते, हम तेरे हम तेरे बनावट से नहीं कहते के हम तेरे हैं। हम तेरे आए हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं। हम तेरे दर की हो तू जान न जान महबूबा, हो तू जान न जान महबूबा
मैदान लगिया तोड़नी बेसा क्योंकि हम बनावट नहीं कहते के हम तेरे हैं हम बनावट से नहीं कहते के हम तेरे हैं हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं हम बनावट से भाई क्या बात है सुभान सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह हो अब बाको उमर याके हो उस्मान वाले सारे ताबेंदा ये अस्हाबे हशम थे सारे ताबेंदा ये अस्हाबे हशम तेरे हैं हम बनावट से नहीं कहते के हम तेरे हैं हम तेरे उठाते हैं कसम तेरे हैं हम बनावट से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई दुनिया आए अता में नहीं हम था तेरा नहीं हम था तेरा हो जो हातिम को मुयासर ये नजारा तेरा हो जो हातिम को मुयासर ये नजारा तेरा और कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा जो तो करम है वाह क्या जो तो करम है शहे बतहा तेरा वाह क्या जो तो करम है शहे सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा क्या ही खूबसूरत फरमाते हैं कि मेरा नसीर सही क्या ही खूबसूरत लिखते हैं तवज्जो कीजिए फरमाते हैं कि नजरे उषा के नबी है ये मेरा हर पे गरीब मिंबरो वाज पे लड़ते रहे आ
आपस में खतीब ये अकीदा ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे कौन से मैं तो मालिक है कहूंगा मैं तो मालिक जो जो मालिक समझता है वो पढ़ेगा औरों को छुट्टी मैं तो मालिक कहूंगा मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबी मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबी मोहब में नहीं मेरा तेरा वह क्या जो दो करम है शहबत हा तेरा नहीं सुनता ये नहीं मांगने वाला ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं पैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं पैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं ना 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 बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं बोलो गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं वो गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ओ या रसूल अल्लाह का नारा घुट्टी में है हमने पाया देखो देखो कौन आया रसूल अल्लाह का दीन आया देखो देखो मोहम्मद अरबी का दीन आया देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया ओ देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया जनाबे